हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो देखिए दोस्तों, एक पिक्चर आपके सामने आ गई। अब ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है क्या बेसिकली? अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है हमने, जैसे कि ये हमारा एक घर है, घर में से जितना भी सीवेज है वो जाएगा हमारा ब्रांच पाइप पे, इंडस्ट्री से जितना भी सीवर जाएगा वो भी ब्रांच पाइप से, कहीं से भी सीवर ब्रांच पाइप से जाएगा मेन पे, मेन से ये जितना भी सीवेज है ये गया हमारा नदी में या फिर ड्राई लैंड में हमने डिस्पोज कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होके कुछ हार्मफुल, कहते हैं कि मटेरियल या फिर कोई हार्मफुल चीज़ बन जाती है या फिर केमिकल बन जाता है जो नदी में जाके या फिर लैंड में जाके उसको कर देता है पोल्यूट। पोल्यूट किस सेंस में कर देता है कि वो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेगा, लैंड पे लैंड की जो क्या होगी उसकी वाटर होगा, अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको पोल्यूट कर सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ पोल्यूट ना करे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रीट करने से पहले यहाँ पर पानी से पहले एक हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पज़ क्या होता है कि जितना भी वेस्ट है उसका एक्स्ट्रा जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे उस चीज़ को हम उस सीवेज में से एक्सट्रैक्ट करके साइड पे रख लेते हैं या फिर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए जैसे कि ये साइड पे देखिए, ये है हमारा एक ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर काफ़ी चैम्बर्स हैं, हम पढ़ेंगे इन सभी चैम्बर्स के बारे में, इनका पर्पज़ क्या होता है, कैसे ये ट्रीटमेंट होगी, क्या करेंगे। तो यही हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस, इसमें हम स्टडी करेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इनके मेथड्स के बारे में, एक्टिविटीज़ में। अब एक्टिविटीज़ के लिए हमें मेथड्स चाहिए होते हैं, कोई भी काम करने के लिए उसका मेथड, तो वही मेथड्स के बारे में हम सेकेंड स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में। लास्ट में हमारे पास क्या है, स्लज, इसको प्रोसेस करना एंड डिस्पोज करना किसी जगह पे। अब जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया उसमें से हार्मफुल या फिर कह लो अनवांटेड चीज़ जो हम डिस्पोज नदी में या फिर लैंड में नहीं करना चाहते, उसका क्या करेंगे, कहाँ डिस्पोज करना है, कैसे करना है, तो इसी चीज़ की स्टडी हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस में हमारे पास क्या है, फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस, केमिकल यूनिट प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस। तो ये तीनों के बारे में हम आज देखेंगे, ये होते क्या हैं, बेसिकली ये एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट? तो डिटेल में हम देखते हैं इसको, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं या फिर प्रोसेसेस कह लिए, जब हम सीवेज को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस क्या होगी, जैसे उसमें से फिल्टर कर दिया, कोई एक सीव ले ली, सीव में से पानी को पास किया, जो मटेरियल उस साइज से बड़ा था वो रिटेन कर गया, बाकी निकल गया। माइक्रो स्क्रीनिंग कर दी, जैसे हम घरों में ऑस्मोसिस प्रोसेस करते हैं, फिल्टर में हमारे पानी फिल्टर होता है, तो उसमें से फिजिकल फोर्सेस के कारण ही वो सारा बाहर निकलता है जितना भी अनवांटेड वेस्ट होता है। वैसे ही और भी मेथड होते हैं, टर्बिडिटी, जैसे कोई मटेरियल जो है वो फ्लो कर रहा है उसके ऊपर या फिर बाहर ही है, दिख रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी केमिकल्स के कारण, केमिकल डाल के कोई बड़े बड़े लंप बना सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी मेथड जिसमें फिजिकल फोर्स लग रही है, हम फिजिकली उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिट ऑपरेशंस, राइट? तो अब नेक्स्ट है, जब सपोज कर लो हर एक चीज़ तो निकाल नहीं सकते, कुछ हद ही होती है इस ट्रीटमेंट फिजिकल फोर्सेस की। जब माइक्रो माइक्रो हमारे पास सीवेज आ जाता है जो उसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। केमिकल्स डाल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, तो उस इन दोनों प्रोसेसेस का जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेसेस, राइट? तो इसी आधार पर ये जो हमारे यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस है, इसको तीन टाइप पे डिवाइड किया है, फर्स्ट फिजिकल, सेकंड केमिकल एंड थर्ड है बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस। ऑपरेशंस यहाँ पर गलत लिख किया है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस के साथ।
फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस। तो बेसिकली फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वो है स्क्रीन करना, किसी भी चीज़ को स्क्रीनिंग कर देना। सपोज कोई चीज़ आगे रख दी, अब सीवेज में कुछ मटेरियल का साइज़ बड़ा होता है तो पानी का साइज़ जो होगा वो, या सीवेज का पानी की तरह ही होता है तो ऑलमोस्ट कुछ का साइज़ कम होगा। तो अब अगर मैं बड़े साइज़ को रोक दूँ और छोटे वाले साइज़ को जाने दूँ, वो चीज़ होगी स्क्रीनिंग। सिंपली देखा जाए तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये जो पानी है ये लोहे का कुछ जाल सा है, सीव सी बनाई है उन्होंने, तो पानी का जितना भी हार्ड या फिर बड़े साइज़ का मटेरियल वो यहीं पर रह जाएगा, बाकी जितना भी है वो आगे निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद आती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक मटेरियल सा, एक मशीन सी लगी हुई है तो ये सर्कुलर शेप में, जैसे ही पानी इसमें जाता है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जितना भी मटेरियल वेस्ट होता है वो एक साइड निकल जाता है और जो पानी होता है वो आगे, या सीवेज होता है वो आगे निकल जाएगा। फ्लो इक्वलाइजेशन। अब दोस्तों हमें पता है जब भी हम पानी या सीवेज को फ्लो करते हैं तो उसमें जो सॉलिड का वेलोसिटी होती है वो अलग होती है और सीवेज की वेलोसिटी अलग होगी। वो वेलोसिटी जिस पे हमारा सॉलिड जो है वो सेडिमेंट नीचे ही बैठ जाए और हमारा पानी आगे फ्लो कर जाए, उस थ्योरी को हम बोलते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन। इसके बड़े टैंक्स यूज़ करते हैं हम। मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में क्या होता है, हम केमिकल्स डालते हैं, केमिकल्स डालने से जितने भी हमारे एक्स्ट्रा जो पॉइजनस या फिर कोई कह लो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, और या फिर गैसेस कह लीजिए, गैसेस को भी हम बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम देखिए आप, तो ये जैसे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मटेरियल इकट्ठे होके एक बड़ा मटेरियल बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे वेस्ट होते हैं, वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, या फिर उनको स्क्रीनिंग करना, फिल्टर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोकुलेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन में जैसे देखिए जितने भी पार्टिकल्स है उसको अगर हम सीवेज को एक जगह स्टेबल रखेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जैसे ही वो नीचे बैठ रहे हैं तो हम इसको डिस्पोज करके बाहर निकाल के ट्रीट कर सकते हैं, या फिजिकली ट्रीट कर सकते हैं। फ्लोटेशन। जब हम फाइन पार्टिकल्स को डेंस बना के, या फिर डेंस बना के उनको, जिनकी डेंसिटी हमारे पास वाटर के बराबर होती है, उनको रिमूव कर दें तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को फ्लोटेशन। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, एक फिल्टर लगा दिया, उसमें से हमारा सीवेज निकलेगा, जो मटेरियल पार रह गया तो उसको हम डिस्पोज कर देंगे, जो आगे निकल गया तो वो फिल्टर हो गया, सिंपल है। माइक्रो स्क्रीनिंग। माइक्रो स्क्रीनिंग में क्या होता है, हमारे पास माइक्रो स्क्रीन सी होती है, पतली सी, एक जैसे चाननी बोल ले, सीव बोल ले, जैसे हम कोर्स एग्रीगेट्स के लिए सीव यूज़ करते हैं वैसे ही फाइन एग्रीगेट्स के लिए हम सीव यूज़ करते हैं। वो सीव का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, राइट, माइक्रोन्स में होता है, तो उसी माइक्रोन के टाइप की एक शील्ड हम लेते हैं तो उसमें से हम पानी ये सीवेज को फ्लो करवाते हैं तो जितना वेस्ट है बाहर रह जाता है, बाकी डिस्पोज हो जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो स्क्रीनिंग। ये नॉर्मली तो हमने दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है है हमारे हमारे पास घरों में केमिकल फिल्टर यूनिट, हैं, वहाँ पर यूज ऑपरेशंस होती ही है। है वैसे केमिकली, ये केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रेसिपिटेशन हम यूज कर केमिकल सकते हैं। प्रेसिपिटेशन का हम यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए, गैस ट्रांसफ़र। गैस ट्रांसफ़र का हम एडिशन करनी हो किसी गैस की या रिमूव करना हो तो ये प्रोसेस होता है। केमिकल में एड्सॉर्प्शन भी आ जाती है, जिसमें हम ऑर्गेनिक्स को रिमूव करते हैं। डिसइन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। डीक्लोरीनेशन, ये बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए, या फिर टोटल कंबाइंड जो क्लोरीन होता है घरों से आता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, इसको आगे हम अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट। तो ये हमारे केमिकल यूनिट ऑपरेशंस। बायोलॉजिकल
यूनिट ऑपरेशंस दोस्तों सुना होगा आपने, बायोलॉजिकल यूनिट के बारे में हमने वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था। तो ये थ्री टाइप्स के बेसिकली इन्होंने डिवाइड किए, होते ये टू टाइप्स के ही हैं, पहला एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक, और थर्ड जो है ये इन दोनों का मिक्सचर है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस ये बेसिकली डिकम्पोजिशन होती है मटेरियल की, राइट। तो एरोबिक क्या होती है? वो प्रोसेसेस पानी में जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, माफ़ कीजिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा डिजोल्व होता है पानी में, जिसकी मदद से डिकम्पोज हो जाता है हमारा मटेरियल, सीवेज में जो भी मटेरियल होता है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक प्रोसेसेस। इसमें आगे जाके मेथड यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, या फिर एरेटेड लैगून्स। तो ये सब हम आगे जाके इन सभी के सभी प्रोसेसेस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये सब आते हैं एरोबिक प्रोसेसेस में, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनएरोबिक प्रोसेसेस। एनएरोबिक प्रोसेसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं, ज़रूरत नहीं होती, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं बिना ऑक्सीजन की हेल्प के ही उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेसेस या मेथड्स बोल दीजिए, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिल्टर्स, लेगून्स एंड पॉन्ड्स। तो इन्हीं की हेल्प से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, या आगे काफ़ी इस्तेमाल होंगे। तो लास्ट में इन दोनों का कम्बिनेशन, जब हम इन दोनों के कम्बिनेशन की हेल्प से ट्रीट करते हैं, तो उसको बोलेंगे एरोबिक एनारोबिक प्रोसेसेस। ये है बायोलॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस। होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। कीप अपडेटेड, इसके आगे हम एडवांस इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट देयर और आस्क मी इन द क्लासरूम ऑल्सो। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।